स्टूडेंट आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत दिन बाद अभी WBUTTP के अंडर से एक अपडेट आया है, एक नोटिस आया है, नया नोटिस आया है। तो क्या है ये नया नोटिस, क्या है इसमें अपडेट, किसके बारे में है, क्या फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है बीएड के लिए, या फिर सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है बीएड के लिए, या फिर अदर कोई स्टूडेंट के लिए, अदर कोई कोर्स के लिए है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में शेयर करेंगे। डिटेल में आपको दिखाएंगे इस नोटिस को भी और आपको बताएंगे क्या कहा गया इस नोटिस में, क्या दिया गया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए पल-पल अपडेट पाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अभी आपको हम लेके चलते हैं WBUTTP का ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पे, और वहाँ पे देखते हैं क्या है नोटिस और क्या कहा गया इस नोटिस में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अभी हम आपको लेके आए हैं यहाँ पे WBUTTP के ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग एडुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका ऑफिशियल साइट यही है, आप देखिए गूगल में सर्च कीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा WBUTTP.ac.in, तो ये साइट आपको ओपन हो जाएगा, वहाँ से खुद से आप देख सकते हैं इस नोटिस को। अन्यथा देखिए हम आपको अभी डिटेल से दिखाएंगे कि क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया इस नोटिस में। बहुत दिन से देखिए फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर कोई अपडेट है तो बताइए, कब होगा एग्ज़ाम, कैसे होगा एग्ज़ाम, क्या है, कुछ अभी तक अपडेट नहीं आ रहा हम लोग का आगे का पढ़ाई क्या होगा। जैसे एमएड का स्टूडेंट का एडमिशन होगा सेप्टेम्बर में, तो उन लोग का भी कोई अपडेट, मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आप लोग का रिजल्ट नहीं आ जाता, मार्कशीट नहीं मिलता, तो आपको एमएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को बनाना जरूरी था, इसलिए हम आप लोग के लिए ये वीडियो बना के लाए। तो सबसे पहले आपको देरी ना करते हुए आज का ये जो मेन मुद्दा है, इसमें मेन जो आपका नोटिस है उसको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आप आइएगा इसको ऑफिशियल साइट पे, तो बीच में यहाँ पे आपको एक दिखेगा करंट नोटिस का सेक्शन। इस करंट नोटिस सेक्शन में आप जाइएगा, करंट नोटिस सेक्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक नोटिस पब्लिश हुआ है वो दिखा रहा है। देखिए ये जो नोटिस है अभी, देखिए यहाँ पे आपका जो है ये, देखिए अभी जो इसको कहते हैं बैगनी कलर, वो बैगनी कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये नोटिस, और ये जब इसका जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तब आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह से ब्लू कलर में। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया इस नोटिस में, थोड़ा जूम करके आपको दिखाने का कोशिश करेंगे हम। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया इस नोटिस में देख लीजिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो है रिजल्ट ऑफ बीएड सेकंड सेमेस्टर सप्लीमेंट्री वन एंड फोर्थ सेमेस्टर सप्लीमेंट्री वन एग्जामिनेशन 2021 विल बी पब्लिश ऑनलाइन ऑन 29/7/2022 @2 PM। यानी कि आपका कल का डेट में, आज 28 तारीख है, आपको पता ही होगा आज 28 जुलाई है, तो ये 29 जुलाई को आपको 2 बजे दोपहर को ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम हुआ था, सप्लीमेंट्री बीएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का, कुछ दिन पहले ही इसका नोटिस आया था, वो नोटिस भी अभी आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे देगा, आपको वो भी दिखा देता है कब हुआ था इनका एग्ज़ाम और कब दे रहा रिजल्ट। देखिए यहाँ पर दिया है इसका जो, यहाँ पर देखिए शेड्यूल ऑफ बीएड सेकंड सेमेस्टर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन यहाँ पर 2021 बीएड देखिए फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, इस पे क्लिक कीजिएगा आप, तो यहाँ पे देखिए आपका जो एग्ज़ाम का रूटिंग था वो खुलेगा, और कब से एग्ज़ाम हुआ था कब तक हुआ था वो आपको दिखा देते हैं। और देखिए यहाँ पे रिजल्ट भी इन लोग का पब्लिश हो गया है, तो आज ही के डेट में रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ, नोटिस आया है तो इसका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा कल का डेट में, वो कहा गया इस नोटिस में। तो देख लीजिए कब से एग्ज़ाम हुआ था, कब तक एग्ज़ाम चला था, और कब आपका ये जो एग्ज़ाम है कितना दिन के बाद रिजल्ट दे रहा है एग्ज़ाम का। तो देखिए ये नोटिस अभी डाउनलोड हो गया, ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि नेट स्लो है इसी कारण से। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर से देखें ताकि आपको डिटेल से पता चले और आपको जो इसमें पूरा क्लियर से डाउट भी क्लियर हो जाए आपका। देखिए ये है बीएड सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम का रूटिंग। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम चला था आपका 15/7 से लेके 29/7 तक, 29/7 तक आपका एग्ज़ाम हुआ था, और यहाँ पे सॉरी 29 नहीं है 19/7 तक आपका एग्ज़ाम हुआ था, और यहाँ पे 29 तारीख को आपका रिजल्ट पब्लिश हो रहा है, यानी कि 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश हो जा रहा है। तो आप अभी इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भी अगर फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है अगर रेगुलर वाले स्टूडेंट का, तो उनका भी 10 दिन के अंदर रिजल्ट लोग पब्लिश कर सकता है। उसके बाद आपका जो है रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आप लोग एमएड में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आप लोग मान के रखिए आप लोग का जो है क्लियर हो जाएगा जल्दी ही बीएड का जो एग्ज़ाम है वो
तो देखिए बीएड के रिलेटेड अभी और एक अपडेट हमको मिला है, तो वो अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद ही वो वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि इस ये वीडियो इम्पोर्टेंट था, इसको पहले लाना जरूरी था, इसीलिए इसको लाएँ, वो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका भी अपडेट पा सके कि कब से आपका एग्ज़ाम हो रहा है और कैसे होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो देखिए ये देख लें आप, आपका यहाँ पे के तारीख से एग्ज़ाम 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 19 तारीख को ख़त्म हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आज का ये लिंक पब्लिश हुआ है, यहाँ पे लिंक नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे कहा गया है, इस लिंक पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो है आपका अभी कुछ नहीं खुलेगा, वही फिर घूम के आ जाएगा वही पेज, क्योंकि ये लिंक अभी एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेट कह दिया गया है आपका कि 29/7 को आपका 2 बजे ये आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, उसी टाइम में ये लिंक एक्टिवेट होगा, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो वो रिजल्ट आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में नोटिस दिया गया है, अभी यहाँ पे लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, पल पल अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए आज इस छोटा सा वीडियो में यही अपडेट आपको देना था, नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।